इतिहास की दिलचस्प कहानियों के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें लिव हिस्ट्री इंडिया। मैं हूं अक्षय चव्हाण और आज हम जानेंगे राजस्थान के टोंक रियासत की कहानी। टोंक रियासत का इतिहास इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि टोंक राजस्थान की एकमेव मुसलमान रियासत थी। टोंक के जो नवाब थे उनकी एक बहुत इंटरेस्टिंग बैक स्टोरी है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, पर टोंक के नवाब काल की कहानी जानने से पहले हमें टोंक का पूर्वी इतिहास समझना बहुत ही जरूरी है। टोंक जो है वो रणथंबोर के अराउंड 100 किलोमीटर दूर है और प्राचीन काल में हमें ये पता चलता है कि इस पूरे क्षेत्र पर मालव जो एक ट्राइब हुआ करती थी उनका राज हुआ करता था। और राजस्थान में जैसे बाकी अलग अलग राज्य हुआ करते थे तो यहाँ पर मालवों का राज था, बट वो बहुत बड़ा या कोई शक्तिशाली राज नहीं था। और हमें गुप्त साम्राज्य के जैसे कि समुद्रगुप्त हो या बाकी गुप्त सम्राट हो तो उनके काल के बहुत कॉइन्स टोंक में मिले हैं, तो उससे हमें ये पता चलता है कि जो गुप्त एम्पायर का जो काल था प्राचीन भारत में उस समय टोंक एक महत्वपूर्ण एरिया रहा होगा। उसके बाद यहाँ पर जो गुज्जर प्रतिहार साम्राज्य का राज रहा, अनफॉर्चुनेटली भारत के जो इतिहास है उसमें गुज्जर प्रतिहार एम्पायर का जो नाम है वो हार्डली लिया जाता है, पर ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण एम्पायर था। और अगर हम कहें तो जब मोहम्मद बिन कासिम का सिंध पर हमला हुआ तो भारत को बचाने में जो गुज्जर प्रतिहार सम्राट है नाग भट्ट, उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो एक जो गुज्जर प्रतिहार साम्राज्य है वो एक बिल्कुल गुजरात से लेकर दिल्ली तक एक जैसे हम कह सकते हैं कि भारत की एक दीवार रहा है और जिसने संरक्षण किया। फिर गुज्जर काल के बाद इस पूरे क्षेत्र में जो चौहान राजाओं का राजवंश शुरू हुआ। अब जनरली जब हम चौहान राजाओं की बात करते हैं और सम्राट पृथ्वीराज चौहान की बात करते हैं तो हम बात करते हैं अजमेर की, हम बात करते हैं दिल्ली की, बट सच बात तो ये है कि जो चौहान साम्राज्य है उसकी शुरुआत शाकंभरी जो सांभर झील के पास में जो टाउन है वहां पर हुई थी। अब उसका क्या कारण है कि अगर आप देखें तो ह्यूमन बीइंग्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज में से एक क्या है, वो है नमक। आपके खाने में नमक नहीं है तो आपको आपको मजा नहीं आएगा खाने में। और उस काल में अगर आप समुंदर के पास नहीं रहते हैं तो आपको नमक कहां से मिलेगा। तो जो सांभर झील जो थी इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ सॉल्ट। इनफैक्ट आज भी वहां का नमक बहुत ही उच्च श्रेणी का नमक माना जाता है। तो जब आप सॉल्ट जैसे ही इतनी इंपॉर्टेंट चीज को कंट्रोल करते हो तो आपके पास शक्ति आती है, आपके पास पैसा आता है, आपके पास इन्फ्लुएंस आता है। और इसी नमक के कारण जो शाकंभरी के चौहान राजा थे उनकी ताकत बहुत बड़ी और फिर आगे चल के उन्होंने अजमेर जो एक स्ट्रेटेजिकली इम्पॉर्टेंट लोकेशन है इन द सेंटर ऑफ राजस्थान वहां पर अपना उन्होंने राज बसाया। और फिर आगे धीरे धीरे वो एक्सपैंड करते रहे और रणथंबोर का किला वहां पर उन्होंने अपना राज भी स्थापित किया। अब जनरली जैसे हम बोलते हैं चौहान राजाओं की बात तो फिर से अजमेर और दिल्ली की ही बात होती है, बट द फैक्ट इज रणथंबोर वाज वन सबसे महत्वपूर्ण किलों में से एक था चौहान राजाओं के। और आज इतने सारे लोग रणथंबोर जाते हैं, वहां के जो नेशनल पार्क है उसे देखने, टाइगर्स को देखने, बट दुख की बात यह है कि बहुत कम लोग किले पर जाते हैं बिकॉज आई थिंक रणथंबोर का किला भारत के सबसे स्पेक्टेक्युलर किलों में से एक है। और ये जो टोंक
का जो भा जो एरिया है, इलाका है, वो रणथंभौर के अंडर ही रहा। उसका एक रणथंभौर के इतिहास के साथ एक बहुत करीबी नाता रहा। फिर बाद में जब 12वीं शताब्दी में मोहम्मद घूरी ने दिल्ली पर हमला किया, तो तराई की लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान शहीद हुए, दिल्ली पर दिल्ली सल्तनत का राज आया, और फिर अजमेर पर भी उनका राज हुआ। और जो दिल्ली और अजमेर है वो दिल्ली सल्तनत के बहुत इम्पोर्टेंट केंद्र बन गए। पर एक राज जो चौहानों का था वो बचा रहा, वो था रणथंभौर का राज। और हमें ये रेफरेंस मिलता है कि जो रणथंभौर के राजा है वो टोंक और सराउंडिंग एरियाज को, चौहान राजा वो इस एरिया पर कंट्रोल करते थे। हमें ये भी पता चलता है कि सुल्तान अल्तमश या इल्तुतमिश, जिसे हम कहते हैं रजिया सुल्तान के पिता, उन्होंने रणथंभौर और टोंक पर बड़ा हमला किया था। पर उनका निधन होने के बाद उनकी जो बेटी थी जो गद्दी पर बैठी रजिया सुल्तान, उन्होंने जो ट्रूप्स हैं दिल्ली सल्तनत की वो विड्रॉ कर लिए, और जिसकी वजह से ये राज बचा रहा। अनफॉर्चुनेटली ये ज़्यादा समय तक नहीं रहा, तो दिल्ली के जो बादशाह थे अलाउद्दीन खिलजी, उन्होंने 14वीं शताब्दी में एक बहुत बड़ी फौज लेकर रणथंभौर पर हमला कर लिया। इनफैक्ट ना सिर्फ अलाउद्दीन खिलजी ने तोड़फोड़ हमला किया था और वहां पर जौहर हुआ था, बल्कि एक दूसरा, एक बहुत बड़ी राजस्थान की एक सिग्निफिकेंट लड़ाई हुई थी, वो थी द बैटल ऑफ रणथंभौर, और जिसमें जो वहां के जो सारे जो शासक है वो लड़ते हुए शहीद हुए, जो राजपूत योद्धा हैं और जितनी भी औरतें हैं उन्होंने यहाँ पर जौहर कर लिया। और इसके बाद रणथंभौर में चौहान राजाओं का शासन खत्म हो गया और वो दिल्ली सल्तनत के अधीन हुआ। तो जैसे ही रणथंभौर का राज खत्म हुआ, तो टोंक जो है वो दिल्ली सल्तनत के अंडर आया। पर तुगलक काल में, मोहम्मद बिन तुगलक के निधन के बाद, राजस्थान में दिल्ली सल्तनत की जो ताकत है वो कम हुई, और उसके साथ ही जो एक इमर्जिंग पावर, एक बहुत शक्तिशाली राज्य उभर रहा था, वो था चित्तौड़ का राज, जो चित्तौड़ के जो महाराणा थे उनका राज। तो हमें ये रेफरेंस मिलते हैं कि काफ़ी समय तक टोंक में चित्तौड़ के महाराणाओं का भी राज आया। फिर बाद में जब बाबर, जो मुगल साम्राज्य के संस्थापक थे, वो भारत पर आए, तब फिर मुगलों की भी झड़पें होने लगी, और बादशाह अकबर ने, जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर कब्जा कर लिया था, वैसे बादशाह अकबर ने भी एक बहुत बड़ी लड़ाई की थी, रणथंभौर की लड़ाई, और वो पूरा एरिया जो था वो कैप्चर कर लिया था। और टोंक जो है वो रणथंभौर सरकार के अंडर ही था, जो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के, जो अजमेर सूबा के अंडर आता था, बट जो मुगल टोंक है वो रणथंभौर से एडमिनिस्टर हुआ करता था। फिर जैसे एक आपने एक बहुत फेमस कहानी सुनी होगी कि अकबर की शादी जो आमेर के राजा है उनकी बेटी हड़काबाई से हुई थी, तो उसके बाद जयपुर और मुगलों के बहुत अच्छे संबंध रहे। राजा मानसिंह जो मुगल जनरल थे वो बहुत अकबर के कोर्ट में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा किया करते थे। इनफैक्ट हल्दी घाटी की जो लड़ाई है वहाँ पर अकबर के बिहाफ पे जयपुर की फौज ही लड़ रही थी और राजा मानसिंह ही लड़ रहे थे महाराणा प्रताप के खिलाफ, और फिर उन्होंने बंगाल और बाकी जगहों पर भी कैंपेन्स किए। तो क्योंकि जयपुर दरबार का मुगल कोर्ट में इतना दबदबा था, तो ये जो टोंक का जो सारा इलाका है वो जयपुर के अधीन आ गया, और जयपुर के अंडर ही रहा अराउंड मुगल साम्राज्य खत्म होने तक, 1720s-30s के वक्त तक ये जयपुर के अधीन, लूजली कंट्रोल्ड बाय जयपुर हम कह सकते हैं। अब 1720s में जब मुगल साम्राज्य टूटने लगा, तब एक नई पावर आई थी, वो थी मराठों की। और आप तो जानते हैं कि बाजीराव पेशवा, सिंधियाज, होलकर्स देश भर में एक्सपैंड करने लगे। उस टाइम पे एक बहुत इंटरेस्टिंग ताकत
सेंट्रल इंडिया में उभरी वो थी पिंडारियों की। अब ये पिंडारी कौन थे? अब भारत के इतिहास में ना हम कोई भी चीज ब्लैक एंड व्हाइट नहीं देख सकते हैं, तो ये जो पिंडारी जो थे, तो इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो दो सबसे ताकतवर मराठा पावर्स थे, सिंधियाज और होलकर्स, उन्होंने इन नॉन स्टेट एक्टर्स का इस्तेमाल किया जो राजस्थान की जो राजपूत रियासत है उनके खिलाफ, उन्होंने जो भोपाल रियासत है उसके खिलाफ, और इवन जो बाकी मराठा रियासतें हैं जैसे कि नागपुर और धार, उनके खिलाफ इनका बहुत लीथली इस्तेमाल किया। तो ये पिंडारीज जनरली कौन होते थे? मोस्टली ये रोहिले थे, रोहिले एडवेंचरर्स थे, इनमें काफ़ी हिंदूज भी थे, और ये जो सारे होते थे वो एक साथ ये कबीले का ये पिंडारी होते थे, ये कबीले में लड़ते थे, उनका सरदार होता था और उनका अग्रीमेंट होता था सिंधियाज और होलकर्स के साथ कि जो फॉर एग्जांपल अगर भोपाल के नवाब ने होलकर के खिलाफ या सिंधिया के खिलाफ लड़ाई की, तो ये क्या करते थे कि पिंडारिया को बोलते थे कि आप जाइए और वहाँ पे भोपाल में लूटपाट मचाइए और डिस्ट्रक्शन कीजिए, और आई मीन इट इज़ अनऑफिशियल राइट, तो आप वो प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते थे एंड ऑल, तो इट वाज, और फिर एक बार वहाँ पे आतंक मच गया, फिर वो जो सिंधियाज और होलकर्स की आर्मी है वो अटैक करती थी। तो जो पिंडारी है उन्होंने काफ़ी डेवेस्टेशन किया जो भोपाल है उसमें, नागपुर, हमें पता है कि होशंगाबाद और बैतूल जो जिले थे वहाँ पर बहुत लूटपाट मचाया पिंडारियों ने। हम जानते हैं कि उदयपुर रियासत मेवाड़ में पिंडारियों के काफ़ी हमले हुए। इनफैक्ट हमें ये भी रेफरेंसेस मिलते हैं कि ये जो पिंडारीज हैं उन्होंने जो आंध्र प्रदेश कोस्टल आंध्रा है जैसे कि विजयनगरम, सिम्हांचलम का मंदिर एनऑल, तो वहाँ पर भी काफ़ी मंदिरों की लूटपाट की एनऑल, क्योंकि टोंक का जो इतिहास है वो पिंडारियों से जुड़ा हुआ है। पिंडारियों में सबसे महत्वपूर्ण, आई मीन कई कबीलों के सरदार हुए, पर सबसे ताकतवर जो पिंडारी के कबीले के सरदार थे वो थे आमिर खान। अब आमिर खान जो थे वो अफगान थे, और जैसे हमने बाकी एपिसोड्स में आपको बताया है कि उस समय काफ़ी अफगानिस्तान से काफ़ी लोग ईस्ट जो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश है जिसे रोहिलखंड कहा जाता है वहाँ पर आकर बस गए, और ये मर्सनरीज हुआ करते थे, और फिर आगे यू नो काम की तलाश में वो अलग अलग राजाओं के बिहाफ पे मर्सनरीज के तौर पे काम किया करते थे। तो आमिर खान भी ऐसे ही थे, और पहले वो भोपाल के नवाब के बिहाफ पे लड़े, फिर उन्होंने बाकी राजाओं के लिए कैंपेन किए। तो वो क्या करते थे कि किसी राजा के पास जाकर बोलते थे कि ये मैं हूँ और ये मेरी टीम है, गैंग है, आप जो भी बोले उसे इंग्लिश में, और वो पैसे के लिए वो उनके लिए लड़ते थे, जैसे कि हमने पटौड़ी के एपिसोड में भी देखा है। तो उस समय आमिर खान जो है वो इतने शक्तिशाली हुए कि उनकी एक 50,000 की आर्मी थी, अपनी पिंडारी की फोर्स थी, और इनफैक्ट ये तो मतलब कई रियासतों से भी ज़्यादा वो ताकतवर थे। और उन्होंने जो यशवंतराव होलकर है इंदौर के राजा, उनके साथ उन्होंने एक दोस्ती कर ली, एक अलायंस किया, और एक ऐसा डिसीजन हुआ कि जो भी होलकर के एनिमी हैं उनके खिलाफ ये जो आमिर खान और उनकी जो पिंडारी आर्मी है वो अटैक करेगी, वहाँ पे लूटपाट करेगी, और जो भी वो लूट लेंगे वो उन्हें मिल जाएगा। तो काफ़ी उनकी काफ़ी अच्छी पार्टनरशिप रही यशवंतराव, इंदौर के यशवंतराव होलकर के साथ। तो 1806 में ये जो टोंक का इलाका है जो होलकरों ने जयपुर स्टेट से जीता था, और सिरोंज का इलाका जो भोपाल के पास में है, ये जो एरियाज हैं वो आमिर खान को एज अ जागीर यशवंतराव होलकर ने दिए। अब ये 1810 1811 ये पूरे समय की बात है कि जो यशवंतराव होलकर थे उनकी अंग्रेजों के साथ काफ़ी लड़ाइयाँ हो रही थी,
दौलतराव सिंधिया तो लड़ चुके थे, हार चुके थे अंग्रेजों के साथ असाई की लड़ाई में, और यशवंतराव होलकर एक गुरिल्ला वॉर कर रहे थे ऑल ओवर इंडिया, आई मीन ऑल ओवर एटलीस्ट सेंट्रल इंडिया जो ब्रिटिश है उनके खिलाफ। तो अब आप देख, जनरली आप इतिहास में देखते हो कि जब आप मर्सिनरीज के साथ हाथ मिलाते हो, आप भाड़े के जो आदमी है उनको लेते हो, तो अगर कोई और उनको ज्यादा पैसा देगा तो वो उलट जाएंगे। और ये जो होलकर के साथ भी वही हुआ, तो उनको लगा कि आमिर खान उनका आदमी है और उसे उन्होंने काफी पैसा दिया है, पार्टनरशिप की है, बट अंग्रेजों ने एक अच्छी डील दी आमिर खान को कि आप हमारे साथ हाथ मिलाइए, हम आपको जो जागीर दी है आपको नवाब बना देंगे। तो आप हम बोल सकते हैं ना कि जैसे बोलते हैं कि गोइंग लेजिट, तो आप लूटपाट, आप लुटेरे नहीं हैं, आप डाकू नहीं हैं, आप पिंडारी नहीं हैं, यू बिकम द नवाब ऑफ टोंक। और आमिर खान जो थे वो, आई मीन ऑब्वियसली वो नवाब बन रहे थे, वो एक गद्दी, राजगद्दी पर बैठे थे, उनका अपनी रियासत मिल रही थी, तो उन्होंने ये जो ब्रिटिश कंडीशन है वो एक्सेप्ट की। और जो 19वीं शताब्दी की जो शुरुआत है उसमें एक ट्रीटी हुई जिसमें टोंक एक सेपरेट रियासत बन गई। अब उसके बाद जो टोंक के जो नवाब है और जो अंग्रेज है उनकी एक काफ़ी अच्छी दोस्ती बनी। और इवन 1857 में जब विद्रोह हुआ तो हमें ये पता चलता है कि तात्या तोपे की कोशिश थी कि वो किसी तरह से टोंक जाए, बिकॉज जो उनको ये पता चला था कि जो टोंक की जो ज़्यादातर जनता है और इवन जो रोहिला फाइटर्स हैं वो सिंपथेटिक है जो 1857 का गदर है उसके खिलाफ, और वो एंटी ब्रिटिश है, पर जो टोंक के नवाब थे वो प्रो ब्रिटिश रहे। तो टोंक में एक उठाव हुआ 1857 में, बट जैसे बाकी जगहों पर जैसे दब गया वैसे टोंक में भी दब गया। उसके बाद जो टोंक है वो ब्रिटिश प्रिंसली स्टेट बनी रही, उसका एक हिस्सा जो था वो राजस्थान में था आता है, और जैसे मैंने कहा कि आधा हिस्सा मध्य प्रदेश में था। यहाँ पर जो टोंक के जो नवाब थे उन्होंने राज किया, पर बाकी रियासतों की तरह जैसे कि जयपुर हो, बीकानेर हो, यहाँ पे बहुत प्रोग्रेस नहीं हुआ। टोंक जो थी वो एक पिछड़ी हुई और एक बैकवर्ड स्टेट थी। सिर्फ यही है कि यहाँ पे जो टोंक के नवाब हैं उन्होंने एक बहुत खूबसूरत महल बनवाया, सुनहरी महल, जिसमें सोने का, मीन असली सोने का काम किया हुआ है, तो इट इज़ वन ऑफ द मार्वल्स। 1890s में ये महल, खूबसूरत महल बना हुआ था। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो टोंक है तो वहाँ पर जैसे, आई मीन 20th century में, 20वीं शताब्दी में जैसे कि एक आज़ादी की एक लहर जैसे कि बाकी देश में जो बढ़ रही थी, तो वैसे टोंक में भी देखी गई। लोगों ने यहाँ पे अंग्रेज़ों के खिलाफ काफ़ी आंदोलन किए स्वतंत्रता के लिए। और 1947 में जो टोंक रियासत है वो राजस्थान में विलीन हो गई, और जो टोंक का जो राज परिवार है वो आज भी टोंक में रहता है। एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो फिल्म एक्टर इरफान खान है जिनका कुछ समय पहले इंतकाल हो गया, तो वो भी टोंक के राज दरबार से, उनका भी परिवार जुड़ा हुआ था, वो टोंक से ही थे। आज जैसे इतने टूरिस्ट बाकी रियासतों में, जो रियासत टाउन्स हैं जैसे कि इवन डूंगरपुर हो या उदयपुर या किशनगढ़, तो टूरिस्ट जाते हैं, अनफॉर्चुनेटली टूरिस्ट टोंक इतने आते नहीं हैं। तो आशा ये है कि यहाँ पर जैसे कि बाकी राजस्थान में राजस्थान सरकार टूरिज्म का बढ़ावा दे रही है, तो टोंक में भी टूरिज्म बढ़ेगा और लोग जो टोंक का जो नवाबी स्प्लेंडर है वो देखने आएंगे। तो ये थी कहानी टोंक रियासत की।